वीवो का जेड वन एक्स इंडिया में लॉन्च हो गया है और आने वाले 13 को वीवो का जेड वन एक्स का सेल है और उसी के साथ रियलमी XT भी इंडिया में लॉन्च होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि 13 को वीवो जेड वन एक्स को आराम से परचेज कर लिया जाए क्योंकि फ़ोन काफ़ी अच्छे पैकेजिंग के साथ आता है, धमाकेदार पैकेजिंग के साथ आता है। पर आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वीवो जेड वन एक्स को लेने से पहले थोड़ा बहुत वेट कर जाओ क्योंकि रियलमी XT भी अपने आप में काफ़ी यूनिक पैकेजिंग के साथ आता है। मैं यहाँ पे दो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊँगा क्यों मैं यहाँ पे रियलमी XT को एक कदम आगे रख रहा हूँ। हाँ भाई, वीवो Z1X काफ़ी अच्छा फ़ोन है पर रियलमी XT में कुछ ऐसा फीचर्स है जो कि उनको काफ़ी यूनिक और अलग बनाती है। तो आज मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पता चल जाए वो यूनिक फीचर्स क्या क्या है। तो हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत, आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए भाई, वीवो Z1X में काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है, लाइक 4500 mAh बैटरी, 22 वाट का फास्ट चार्जर और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। पर प्रोसेसर के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, नॉच के मामले में और थिन वेट ये सब के मामले में दोनों फ़ोन बिल्कुल सेम ही जाते हैं। पर अगर आप वीवो Z1X के एडवांटेज वाले सीन को देखते हैं तो आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे 22 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा जो कि रियलमी XT में देखने को नहीं मिलेगा, और साथ साथ और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको वीवो Z1X में मिल जाती है। पर अगर आप वीवो Z1X से रियलमी XT को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे रियलमी XT क्यों क्लियर विनर आता है अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वीवो Z1X में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाते हैं जो कि 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है। जो 48 मेगापिक्सल है वो सोनी IMX586 सेंसर के साथ आता है। जो 8 मेगापिक्सल का है वो f/2.5 aperture के साथ आता है जो कि बेसिकली एक वाइड एंगल कैमरा है। 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो पोर्ट्रेट लेंस के लिए आता है। पर अगर आपको पता हो को रियलमी XT वर्ल्ड का ऐसा पहला फ़ोन है जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर के साथ आता है, जिसका प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का और वहाँ पे आपको सोनी सैमसंग का GW1 सेंसर देखने को मिल जाता है और वहाँ पे आपको 8+2+2 यानी 8 अल्ट्रा वाइड 2 माइक्रो लेंस और बाकी जो 2 है वो पोर्ट्रेट लेंस के लिए देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में आपको एक कदम आगे मिलता है एज कम्पेयर टू वीवो Z1X से। तो आपको एज पर माई ओपिनियन की रियलमी XT को परचेस करना चाहिए। आप बहुत लोग बोलेंगे भाई हमें 4 कैमरे की ज़रूरत है ही नहीं, हम 3 कैमरे से ही खुश है। तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ अभी भी 2 डिसअपॉइंटिंग वाले फीचर्स हैं। नंबर 1 डिसअपॉइंटिंग वाले फीचर, 16,999 रुपीज़ इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं पर आपको जो वीवो Z1X मिल रहा है वो मिल रहा है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अजीब टाइप का चीज़ है कि इन द प्राइस के अंदर भी आपको यहाँ पे एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल रहा है और सामने आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। वीवो Z1X में एक अलग किस्म का गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है पर वो गोरिल्ला कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं है, इसलिए मैं इसको नॉन स्पेसिफाइड कर रहा हूँ। पर अगर आप देखते हैं रियलमी XT में आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट फ्रंट एंड बैक में दिया जाता है और रियलमी XT पूरा ग्लास के बना फ़ोन है। तो यानी रियलमी XT में आपको सेफ्टी के मामले में रियलमी XT आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एज कम्पेयर टू वीवो Z1X। ये भी एक पार्ट है और एक पार्ट, एक चीज़ जो होने वाली है वो भी मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोग जानते हैं या नहीं है पता नहीं। वीवो Z1X में आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड नहीं देखने को मिलता, पर अगर आप बात करें रियलमी XT की, वहाँ पे आपको डुअल सिम प्लस डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। मान लो कि आपने कुछ चीज़ों को डाउनलोड किया, बहुत कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लिया तो वीवो Z1X में बहुत जल्दी स्टोरेज ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए आपको 6GB+128GB वाला वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। आप 17,000 रुपीज़ वाला जो वेरिएंट है उस वेरिएंट को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज वहाँ पे है कहाँ, ओनली 64GB स्टोरेज है। तो यहाँ पे रियलमी XT एक कदम आगे निकल जाती है क्योंकि रियलमी XT के अंदर हमें डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, वहाँ पे आप ज़्यादा मेमोरी कार्ड ऐड करके, अगर आपके पास पुराना ही मेमोरी कार्ड पड़ा है उसको भी ऐड करके स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लिया, आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का ओपिनियन है। आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ कि कौन से फ़ोन एक्चुअल में अच्छा है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ। और मेरा ओपिनियन है कि रियलमी XT के लिए वेट कर जाना चाहिए। तो भाई लोग बस वीडियो में इतना ही, वीडियो में मुझे ये बताना था, अब आप लोगों का ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा एक बार लाइक ज़रूर करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।